स्टार्ट द बायो पोर्शन इन द पराक्रम बैच तो हम आज इस पराक्रम बैच में शुरू कर रहे हैं बायो पोर्शन और विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द सेल आपको भी पता है हर साल इस सेल पर क्वेश्चन पूछा जाता है सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बायो पोर्शन हियर विद द टॉपिक सेल टेलीग्राम एप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे हमारा चैनल है डिफेंस एग्जाम प्रेप एंड ऑन इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है इम्पॉर्टेंट नोडिफिकेशन एज एज वॉट एवर सेल गेट टू नो दे और बहुत सारे क्विजेज आपके साथ शेयर किए जाते हैं ऑन दीज ग्रुप हेलो जितेंद्र पार्थ अनूप आदित्यनम गुड आफ्टरनून आई थिंक इट्स नाउ नून इवनिंग टाइम अनिता मनीषा मीना सिंह गुड इवनिंग मीना सिंह जो यहाँ पे हो रहे एग्जैक्ट वही सेशन अगर आप ढूंढ रहे हैं कि वो ऐप पे होगा कि नहीं तो नई बच्चे बठान डेफिनेटली uh, दूसरा सेशन उस पर जरूर होगा बाद में पवन निकी मनीषा सिंह एंड हु इवनिंग कीर्ति गोलू हर्ष वीरू राजीव तारा रंजन वीरू गुड इवनिंग गुड इवनिंग वीके केशव गुड इवनिंग तो लेट स्टार्ट सेल और हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको पहले एक नजर बता दूं कि क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करेंगे Uh, सबसे पहले तो प्रो और यू सेल्स में डिफरेंसेस देखेंगे हम वही सारे टॉपिक्स और उन्ही पॉइंट्स को टच करेंगे जिन पर क्वेश्चन आए हुए हैं बिकॉज ये खुद में एक बड़ा टॉपिक होगा इट विल टेक सम टाइम बट डेफिनेटली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर होंगे जो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ इस पे क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह के आए हैं यस yes, वीरू आप भी हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग पवन विंकल गुड इवनिंग राधन गुड इवनिंग गुड इवनिंग यस डेफिनेटली डेफिनेटली ये आपके उसके लिए भी जरूरी है सेल ऑर्गेनल्स डेफिनेटली आपके सेल ऑर्गेनल से हर साल क्वेश्चन आता है तो सेल ऑर्गेनल्स पे हम आएंगे उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे उनके फंक्शंस देखेंगे उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं दोनों में क्या क्या चीजें एबसेंट हैं एंड फाइनली रिसेंटली आस्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए सेल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आ, इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हम ग्रेडअप ऐप पे एक सीरीज कर रहे हैं जहां पर बायो की सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पेस क्वेश्चंस चल रहे हैं तो आज का जो सेशन होगा वो सात बजे शाम को होगा जहां पर हम ह्यूमन डिजीज़ेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और वही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे हेलो आदित्यो यस राजीव तो मजा आना चाहिए अगर टेंथ के बाद पहली बार पढ़ रहे हैं तो मजा आना चाहिए हेलो राहुल कोशिश पूरी रहेगी बट आई कैंट प्रोमिस यू कितना हिंदी यूज हो पाएगा यहाँ पर आई एस राहुल कुमार डेफिनेटली डेफिनेटली ये आपके uh, सीएपीएफ के लिए भी यूजफुल है शुरू करें फिर ओ आई फो गो टू टेल यू आज हमारे साथ हैं सेल तो आज हमारे साथ है सेल इन्होंने पूछा कि भाई वाई आर यू टॉकिंग अबाउट मी इन द सीडीएस ये कहाँ हमारे देश को बचाने जा रहे हैं डिफेंस के मेंबर्स बनने वाले हैं और आप इनसे मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं मैंने कहा भाई ऑफिसर तो बाद में बनेंगे पहले रिटर्न एग्जाम क्लियर करना जरूरी है और इसके लिए देखिए आपके रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए सी डी एस वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इसी साल आप पे क्वेश्चन पूछा गया कि सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ़ ऑफ़ देम। उसके बाद एक और क्वेश्चन तो क्यों नहीं हम आपके बारे में बात करें तो ही गोट रियली एक्साइटेड यार फिर मुझे भी कुछ क्वेश्चन पूछने तो भाई हमारे साथ आज सेल है एंड ही क्वेश्चन तो जल्दी से आंसर करिए ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे पांच छह क्वेश्चन शुरू पूछेंगे और इनको जल्दी से विदा करते हैं फिर हम आ, अपने टॉपिक पे आएंगे आराम से डिस्कस करेंगे इनको तो इन्होंने पहला सवाल आपसे ये पूछा है कि आई अप्रिशिएट द पर्सन हु सॉ मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ पीस ऑफ कॉक ही वॉन्ट्स टू आस्क अबाउट दैट पर्सन आई अप्रिशिएट द पर्सन हु सॉ मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ पीस ऑफ कॉक तो मिस्टर सेल का सवाल है आपसे कि आप बताएंगे वो कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं जब तक आप बताएंगे नहीं कहीं जाने वाले नहीं है आज आ, मिस्टर सेल आपको आंसर मिलने लगे अरुणावा तारा रंजन आ, कीर्ति, विक्रांत वीके एंड uh, करण ये तो बहुत स्मार्ट आंसर हुआ रॉबर्ट अब आप सोचते रहो हु की ब्राउन है है ना? वेरी स्मार्ट आंसर। तो यस आपको आंसर मिल चुका होगा मिस्टर सेल आपको किसने खोजा था रॉबर्ट हुक ने खोजा था फर्स्ट टाइम कॉक में देखा था डेड सेल थे एंड दिस वाज द माइक्रोस्कोप विच वाज़ यूज्ड बाय हिम दिस वाज़ द माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय हिम होंगे आप सेटिस्फाई टू ऑफ अदर house कैन synthesize their ओन proteins. न्यूक्लियस के अलावा मेरे घर में दो और मेंबर्स हैं सदस्य हैं जो अपने प्रोटीन खुद बना सकते हैं क्या आप बताएंगे इनके घर के उन सदस्यों के बारे में जो अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं

विभाग गुड आफ्टरनून जय हिंद सेल आप थोड़ा सा वेट करिए मुझे सही आंसर मिल जाएगा आप घबराइएगा विक्रांत सिंह आंसर चेक करिए एक आंसर आ, इनको मिल चुका है माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे मेंबर का नाम अभी भी ढूंढ रहे हैं निराश मत करिए हमारे मिस्टर सेल को एनी वन एनी वन नाराज होके चले ना जाएगा हमारे मिस्टर सेल ओके आई थिंक मिस्टर सेल यू ओनली टेल मुझे लग रहा है कि ये सारे बायो स्टूडेंट्स नहीं है गुड आफ्टरनून ज्ञानेश सिंह गुड आफ्टरनून यस आप ही बता दीजिए मिस्टर सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया तो आपने बता ही दिया था द सेकेंड वन इज क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट द सेकेंड वन इज क्लोरोप्लास्ट तो यहां पर जो मिस्टर सेल को ज्यादातर आंसर मिले थे सेकेंड वो बोल रहे थे लोग राइबोजोम्स राइबोजो भाई उसके पास आरने हैं और यहां पर ये यह पूछा गया था जो अपना प्रोटीन बना सके वो वाला मेंबर यानी कि वो सेल ऑर्गेनल जो अपने प्रोटीन खुद बना सके सो वन इज डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया डोंट वरी जब मिस्टर सेल चले जाएंगे तो हम इसको देखेंगे एंड दूसरा था क्लोरोप्लास्ट इनके पास अपने uh, खुद का पूरा मैकेनिज्म है खुद का पूरा सिस्टम है दे कैन प्रिपेयर देयर ओन प्रोटीन चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं आ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मिस्टर सेल का है यू डोंट लीव एनी एलियन अलाइव लाइफ एंड देर टाइम्स वेन यू डोंट इवन हेजिटेट टू डिस्ट्रॉय मी आप किसी फॉरेन पार्टिकल कोई भी बाहर से कोई चीज आती है कोई दुश्मन आता है तो आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते हो और कभी कभी तो मुझे भी खत्म कर डालते हो कौन से मेंबर की बात कर रहे हैं ये जय हिंद आर्मी लवर स्टेटस और एक बार फिर से आप अपना मुझे नाम बता दीजिए आई आई इफ इज तरुण और समथिंग हां जी जितेंद्र करेक्ट वेरी गुड वेरी गुड राहुल यस विक्रांत सिंह कीर्ति राघव करेक्ट आंसर तो यहाँ पर मिस्टर सेल आप खुश हो गए होंगे कि तुरंत आंसर मिला है आपको और एकदम करेक्ट करेक्ट आपको आंसर मिल रहे हैं राइट यस आंसर इज लाइजोजोम लाइजोजोम यहाँ पर जिसको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं क्योंकि जब सेल डैमेज हो चुका होता है या बूढ़ा हो चुका होता है तो ये अपने ही अंदर बर्स्ट करके अपने सेल के अंदर ही ये बर्स्ट करते हैं और फिर अपने ही सेल को खा जाते हैं अदरवाइज बाहर से कोई भी जर्म्स कुछ भी कोई पार्टिकल आता है ये उसको अंदर लेते हैं इनगल्फ करते हैं और उसके बाद अंदर डाइजेस्ट कर देते हैं बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव इन हेलो श्वेता कौशिक गुड इवनिंग अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या रखा है मिस्टर सेल ने चलिए देखते यस द वॉल ऑफ माई प्लांट हाउस इज नॉट मेड अप ऑफ सीमेंट और ब्रिक्स लाइक योर्स बट बाय ही इज एक्चुअली आस्किंग अबाउट की जो इनके प्लांट हाउस की दीवार बनी है वो किस चीज से बनी है द वॉल ऑफ माई प्लांट हाउस हाउस इज नॉट मेड अप ऑफ सीमेंट और ब्रेक्स बट बाय ऐसा कौन सा मटेरियल यूज कर लिया इन्होंने अपने प्लांट हाउस में anyone anyone yes yes golu correct answer करेक्ट uh, i think you got your answer mr sel सेल करण शर्मा ने भी सही आंसर दिया है और नवा right answer विंकल सिंह करेक्ट आंसर कीर्ति राइट आंसर तो यहाँ पर इन्होंने एक सवाल पूछा था कि जो इनका प्लांट सेल का वॉल है वो किस चीज से बना होता है तो so, डेफिनेटली answer इज सेल्यूलोज ठीक है तो प्लांट सेल वॉल किससे बना होता है सेल्यूलो से आ, नो केशव जो आप बात कर रहे हैं कई लोगों से मुझे आंसर मिला सेमी सेमीपर्मिबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही है सेल वॉल की बात हो रही है वी विल सी आफ्टर इनके जाने के बाद अगला सवाल है इनका

आ, नो नोवीरू अगर ये एनिमल के अंदर प्रेजेंट है मिस्टर सेल तो इनमें कौन से मेंबर्स नहीं हैं यस राहुल आई एग्री यस करेक्ट आंसर और एक तो मुझे मिल गया आंसर मिस्टर सेल एक तो बोला सेल वॉल एंड यस कीर्ति करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट राइट आंसर तो एक तो हो गया क्लोरोप्लास्ट जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं होता और दूसरा है सेल वॉल जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है तो ये दोनों चीजें जो कि प्लांट सेल में हमें मिलेंगी एनिमल सेल में नहीं मिलेंगी क्या बात है क्या बात है भाई मिस्टर सेल यहां से खुश होकर जाने वाले हैं नो डाउट तो अगर ओहो ही इज स्टिल देयर डोंट वरी एक और क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए फिर मैं अब इसके बाद इनको क्वेश्चन पूछने नहीं दूंगी बिल्कुल Uh, he is asking about the person. He was the one who saw me alive for the first time when I was having a great time in pond. किसके बारे में बात कर रहे हैं कि इन्होंने पहली बार मुझे जिंदा देखा था जब मैं तालाब में बड़े आराम से ना अच्छा टाइम निकाल रहा था अरे भाई वीरू मैं सबका आंसर दे रही हूँ सबका आंसर देख रही हूँ आई कैन सी बट एवरी बात कर रहे हैं ये एक तो इन्होंने रॉबर्ट हुक uh, के बारे में पूछ लिया था जिसने इनको इनको सबसे पहले देखा लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जिंदा पहली बार किसी और ने देखा था नहीं अनुजराज अभी तो आप बिल्कुल राइट टाइम पे हैं अभी तो हम मिस्टर सेल से ही बात कर रहे हैं uh, ही वाज़ वेरी टू टॉक कुछ एंड आई टू नो दैट नेम आराधना करेक्ट आंसर लेकिन स्पेलिंग सबका रॉन्ग है बट आई डोंट थिंक कि इनको कोई दिक्कत होगी मिस्टर सेल को इससे यस ममता करेक्ट आरव करेक्ट सो दी एंटॉन वॉन लुवन हॉक एंटॉन वॉन लुवेन हॉक और ये इनका जादुई माइक्रोस्कोप जिससे इन्होंने ना केवल बैक्टेरिया इन्होंने प्रोटोजोआ और बड़ी चीजें देख ली थी ब्लड कैपिलिरीज तक देख डाला था इन्होंने एंड यू नो वेन ई सॉ फर्स्ट टाइम द लिविंग सेल्स ही कॉल्ड दम एनिमल क्यूज वेरी स्मॉल एनिमल्स ठीक है सो हर्शिल यस गुड नेम हर्शिल तो अब ठीक है मिस्टर सेल अब आप खुश हो गए होंगे अब जरा हम पढ़ने पे आते हैं सो लेट्स से बाय टू हिम एंड बिफोर स्टार्टिंग द थ्योरी पार्ट ऑफ द सेल दीस आर सम आर रेकमेंडेड ग्रेडियंट्स हु क्वालिफाइड थ्रू डिफरेंट एंट्री सीरियस एंट्री एफएसबी टेक एंट्री यूएस एंड एनसीसी एंड दीस आर एफके2 2020 क्वालीफायर्स कांग्रेचुलेशंस टू देम फॉर यू पीपल सी ए पी एफ ए सी का हमारे पास बैच शुरू हुआ है रिसेंटली सोलह मार्च से कॉम्प्रीह कोर्स है लाइव क्लासेस पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट मार्च से शुरू हो चुका है इवेंट फाउंडेशन कोर्स फॉर दी एस स्पेशल बोथ आर बायिंग बैचेस स्टार्टेड दिस मंथ इट्स फ 2 टू जो देने के जिनका टारगेट है जो देना चाह रहे हैं उनके लिए भी फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ है इसी महीने एक कोर्स आपका बाइलिंग्वेल है और दूसरा फाउंडेशन कोर्स एफ 2 का है इन इंग्लिश ओके सो फॉर द SSB इंटरव्यू वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच फ्रॉम ट्वेंटी सेकेंड ऑफ दिस मंथ तो अब आपको क्या करना है यू जस्ट नीड टू टेक द अप सुपर सब्सक्रिप्शन आपको केवल ग्रेड ग्रेडअप सुपर सब्सक्रिप्शन लेना है एंड फॉर यू पीपल सुपर सेविंग मार्च इज गोइंग ऑन अभी आपको क्या मिलता है अभी आपको डेफ थर्टी यूज करने पे डीई एफ थर्टी कोड यूज करने पे फ्लैट थर्टी परसेंट डिस्काउंट के साथ एक्स्ट्रा थर्टी परसेंट डिस्काउंट मिलता है ऑन ग्रेड अप सुपर फॉर डिफेंस एग्जाम्स तो जिन्होंने अभी तक सुपर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आई रिक्वेस्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन ताकि आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ एक कोर्स एक कोर्स में इन्वॉल्व हो सके फॉर एनी क्वेरी यू कैन और व्हाट्सएप एट द गि नंबर नाइन तो चलिए शुरू करते हैं सेल मैं पहले बता दू आपको यहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कंसंट्रेट uh, करना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं प्रो कैरोटिक सेल्स जब हम बात करते हैं इसका मतलब प्रिमिटिव सेल्स एंड यू कैरोल तो सबसे पहले प्रो कैरियोटिक सेल्स आए थे इवोल्यूशन के बाद यू सेल्स आए हेलो अनूप गुड आफ्ट गुड इवनिंग सो so, सबसे पहला डिफरेंस प्रोकैरियोट्स में कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है सेल ऑर्गेनल्स मतलब क्या होते हैं जो जिन्होंने बिल्कुल बायो छोड़ दी थी उनके लिए बता दें कि जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं वैसे ही एक सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं जो आपकी यहाँ पे यू कैरेट्स में देख पा रहे हैं और हर एक कंपार्टमेंट का ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये कवर्ड होते हैं मेम्ब्रेन से हर एक कंपार्टमेंट का एक अपना प्रॉपर फंक्शन है वो अपना काम परफॉर्म करता है वो कहलाते हैं आपके सेल ऑर्गेनल्स जो कि प्रो में एबसेंट है इवन दे डोंट हैव द न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस ऐसे ही फ्रीली सर्कुलर डीएनए है जो कि फ्रीली ऐसे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और जो वो रीजन है वो जो एरिया है जहां पर ये साइटोप्लाज्म में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में में आपके प्रोकैरियोट्स उस रीजन को आप कहते हैं न्यूक्लियोइड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस पे क्वेश्चन आते हैं रिमेंबर द टर्म न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड क्या होता है न्यूक्लियोइड वो रीजन है प्रोकैरियोटिक सेल में जहां पर उनका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पाया जाता है विपिन आपके यहाँ इसमें दस सेल चैप्टर चल रहा है ठीक है अभी हमारा दस सेल चैप्टर चल रहा है ओके फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्रो कैर की तो हमारे पास एग्जाम्पल में होते हैं बैक्टीरिया हमारे पास एग्जाम्पल में होते हैं माइकोप्लाज्मा, uh, साइनोबैक्टीरिया जिनको आप कहते हैं ब्लू ग्रीन एलगी ठीक है सो रिमेंबर वन थिंग मोर कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अराउंड सेल वॉल भी होती है उसके अराउंड सेल वॉल भी होती है कमिंग टू यू कैरोट्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है प्रो कैरोट से एंड इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इवन दे हैव द न्यूक्लियस अगर मैं सेल वॉल की बात करूं जैसे बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो यहां पर यू कैरोट्स में फंजाई और प्लांट में तो सेल वॉल मिलेगा एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है एनिमल्स के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होता है एक लौता जो सेल ऑर्गेनल आपके प्रोकैरियोट में पाया जाता है वो है राइबोसोम। जो इकलौता सेल ऑर्गेनल जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है उसको हम कहते हैं राइबोसोम। बस टाइप डिफरेंट होते हैं सेवेंटी एस राइबोजोम और यू में एट्टी एस पाया जाता है दीज आर दिंग्स एंड ठीक है आदित्य तो आई वुड सजेस्ट एनसीआरटी क्लास नाइन्थ की बुक में सेल के बारे में आपको मिल जाएगा और अगर आप पूरे बायोर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं आई सजेस्ट यू द सेम एनसीआर क्लास नाइन्थ एंड टेन हेलो रत्ना गुड इवनिंग ओके सो सो स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट लेकिन यार मुझे उतने लाइक्स नहीं मिले कम ऑन प्लीज स्टार्ट गिविंग शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको आप कह रहे थे सेल मेम्ब्रेन अच्छा अब ये चाहे प्रो कैरोटो चाहे तो, वो चाहे वो प्रो कैरियोट हो चाहे वो यू कैरियोट हो सब में ये कॉमन है आई एम सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो सब में uh, होता है uh, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रो कैरियोटिक सेल और यू सेल दोनों में प्रेजेंट होता है बना किससे होता है बना किससे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन से किससे बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन से ठीक है अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे है तो आप क्या बोलेंगे लिपिड्स एंड प्रोटीन कौन सा लिपिड फॉस्फोलिपिड एंड दूसरा टर्म आपको याद रखना है फॉस्फोलिपिड बाईलेयर यहां पर क्या होती है फॉस्फोलिपिड की बाईलेयर बाई का मतलब क्या है कि अगर ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स ऐसा एक लेयर बना रहे हैं तो दूसरी लेयर ऐसे उल्टी चल रही होगी इस तरीके से ओके okay? राइट right? तो ये आप देख सकते हैं यहां पर यही वाला स्ट्रक्चर यहां पे आपको देखने को मिल रहा है तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड नहीं रवि कॉफी नहीं गिरी पानी गिर गया मेरे लैपटॉप पे चलिए भगवान करे आगे की क्लास ठीक से निकल जाए Am I visible? Uh, please tell me, am I audible? You have to wait for a second because I just. Please wait for a second. I need to take some other uh, device here. I'll be back. Okay, so I'm using the other device, but it would take some time for me to uh, just go through that. Anyway, so. वी वर टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने कहा कि वो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बना हुआ है एंड इन बिटवीन ये प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना वो प्रोटीन्स हैं आ, वो प्रोटीन्स आपके चीजों को अंदर बाहर करने में हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक तो है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है जिसका मतलब क्या होता है जिसका मतलब होता है कि हर चीज को अपने आर पार जाने नहीं देती है कुछ चीजों को ही इट अलाउज टू गो अवे फ्रॉम टू पास थ्रू इट ओके सो दैट इज अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोहन यार पानी गिर गया कुछ ज्यादा ही साफ हो गया ओके सो कमिंग टू द सेल वॉल कुछ ज्यादा ही जोश में आगे मैं पढ़ाते पढ़ाते एंड एनीवे यस यस निशांत यस आपका सी के लिए नाइन टेंथ की एनसीआरटी इज मोर देन इनफ राइट हां जी सेल वॉल पे आते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में एप्सेंट होती है है ना अगर एनिमल सेल में आप बात करें तो उसके अंदर ये एबसेंट होता है एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलता बाकी सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होगा सेल वॉल जैसे कि प्लांट सेल में फंजाई सेल में और बैक्टीरिया में अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बना किससे है जो प्लांट का सेल वॉल है वो सेल्यूलोर से बना होता है फंजाई का सेल वॉल जो होता है वो काइटिन से बना होता है और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन से बना होता है तो ज्यादातर क्वेश्चन ये फर्स्ट टू से आते हैं जिसमें प्लांट के बारे में और फंजाई के सेल वॉल के बारे में पूछा जाता है सी रिमेंबर दिस थिंग अबाउट द वॉल ओके सो कमिंग टू द न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस की बात करें फिर से ये किसमें प्रेजेंट होगा यू में ठीक है यू में प्रेजेंट होता है द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन दू यूकैरियोटिक सेल ये कंट्रोल सेंटर है आपके सेल का दिस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ योर सेल जिसके अंदर डीएनए यानी कि आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इसीलिए कंट्रोल सेंटर है क्योंकि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है आप के सारे जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं जो भी प्रोटीन बन रही है ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो आपके जेनेटिक मटेरियल के पास प्रेजेंट होती है ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसको आप कहते हैं क्रोमैटिन ऐसे इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में डीएनए uh, पूरा फैला होता है जिसको आप कहते हैं क्रोमैटिन इस पर क्वेश्चन आया हुआ है क्या क्वेश्चन आया हुआ है हिस्टोन्स के रिगार्डिंग कि हिस्टोन्स प्रोटीन के रिगार्डिंग तो इसमें आपको ये बताना था कि जो हिस्टोन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक uh, एसिड के साथ यानी कि डीएनए के साथ हिस्टोन्स वो प्रोटीन है जो डीएनए को कॉयल करने में हेल्प करते हैं उसको फोल्ड uh, करने में हेल्प करते हैं ताकि वो और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना सके और तब जाके बनता आपका क्रोमैटिन सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो ये और ज्यादा फोल्ड होते हैं और ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के क्रोमोजोम्स बनाते हैं तब ये क्रोमोजोम वाला शेप देते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन यस राइट मोहन दैट इज डीएनए इज ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसेड न्यूक्लियस के अराउंड डबल मेम्ब्रेन है ठीक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल है जो मिलाकर बनाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर एनवेलप में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू चीजें बाहर जा पाती हैं साइटोप्लाज्म में नॉट ओनली दिस इट हैज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस जो ये बीच में आप डेंस सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना उसको आप कहते हैं न्यूक्लियोलस ओके okay? ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये किससे बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन से ठीक है याद रखिएगा न्यूक्लियोलस किससे बना होता है आरएनए एंड प्रोटीन से एंड क्या काम है न्यूक्लियोलस का काम क्या है साइट फॉर राइबोजोमल आरएनए सिंथेसिस रिमेंबर दिस मच यहां पर आर आरएनए बनते हैं राइबोजोमल आरएनए आपके न्यूक्लियोलस बनाते हैं ओके नो विशाल

तो वहां से शुरू हो जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है न्यूक्लियर uh, मेम्ब्रेन के पोर्ट्स से शुरू होते हुए उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर वाले सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स अगर ये प्रेजेंट हैं तो ये सरफेस को रफ बना देते हैं एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्वड होता है इट इज इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन सिंथेसिस जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तब क्या होता है तब आप उसको कहते हैं स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ई आर स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड वॉट इज द फंक्शन ऑफ स्मूद एंडोप्लाज्मिक इट इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स ग्लाइकोजेन एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स यहां पर बनते हैं लिपिड्स ग्लाइकोजेन एंड स्टेरॉइड हारमोन हेलो सलमान गुड आफ्टरनून नो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस जीनियस गुड नेम बट नो दिस इज ओनली ऑफ क्लास नाइन्थ लेवल हम आते हैं नेक्स्ट गोल्जी एपरेटिस कोई मुझे बताएगा गोल्जी एपरेटिस किसने आइडेंटिफाई uh, किया था फर्स्ट टाइम हु आइडेंटिफाइड गोलजी एपरेटिस फॉर दर्स्ट टाइम Yes, who identified Golgi apparatus for the first time? This is the Golgi apparatus you see here. Yes, very good, Nikki. Uh, Camilo Golgi. Right answer Camilo Golgi. So, he actually identified the Golgi apparatus for the first time. अब होता क्या इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो का सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन बन के आते हैं वो अंदर जाते हैं गोल्जी बॉडीज में जहां पर होती है इनकी पैकेजिंग इनको एक्टिव बनाने के लिए इनकी मॉडिफिकेशन होती है उसके बाद इनको पैक करके इनके टारगेट साइट तक भेज दिया जाता है ठीक है तो एक तरह से कुरियर का काम कर रहे हैं ये गॉल्जी एपरेटिस ठीक है तो मेजर फंक्शन तो उनका हो गया पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन दूसरा फंक्शन है लाइजोजोम्स को बनाना ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में आ, लाइजोजोम कहां पर बनते हैं कौन बनाता है लाइजोजोम्स? तो गोल्जी ऑपरेटिस तीसरा ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो भी कहां पे होता है गोल्जी एपरेटिस में फॉर्मेशन ऑफ गोल ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ऑल्सो टेक प्लेस इन द गोल्जी एपरेटिस आ, मोहन शर्मा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कैसे जाते हैं जो भी इनमें मॉडिफिकेशन होती है इनके स्ट्रक्चर में जो एक स्ट्रक्चर बन के आया प्रोटीन का उसमें जो भी मॉडिफिकेशन हुई अकॉर्डिंगली दे गेट दी आइडिया ओके वी नीड टू गो टू दैट टारगेट साइड चाहे वो सेल के अंदर ही हो टारगेट चाहे सेल के बाहर हो ठीक है हाँ जी लाइजोजोम जिसपे दो तीन बार क्वेश्चन पूछ लिया गया लाइजोजोम्स वो है जिस पर दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है नरेंद्री रन रविचंद्रन प्रोटीन सिंथेसिस मतलब होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन ठीक है सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है उसका फॉर्मेशन राइट कि जब आ, आपका मेसेंजर आरएनए होता है उस पर राइबोजोम्स आते हैं और राइबोजोम्स की हेल्प से फिर जब प्रोटीन बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस हाँ जी कमिंग टू द लाइजोजोम्स लाइजोजाइम्स ऐसे फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं बॉल जैसे जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि कहे जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक है ये क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये कोई भी चीज डाइजेस्ट कर लेते हैं कोई भी बायोमोलिक्यूल चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट है चाहे वो आपका फैट्स है चाहे वो आपके लिपिड्स हैं कोई भी जो होंगे मॉलिक्यूल्स दे कैन डाइजेस्ट ठीक है तो जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है बाहर से कोई भी चीज आती है ये इसको अपने अंदर लेते हैं एंड दे जस्ट डाइजेस्ट देम बाय यूजिंग देयर एंजाइम्स नॉट ओनली दैट अगर अपने ही सेल का कोई पार्ट खराब हो चुका होता है ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है तो ये जो लाइजोजोम्स uh, हैं उनको भी डाइजेस्ट कर डालते हैं इसीलिए हम इनको कहते हैं स्कैवेंजर्स या फिर सेल्युलर हाउस कीपर्स सुसाइड बैग्स कहते हैं क्यों कहते हैं कि जब आपका सेल ही बेकार हो जाता है डैमेज हो चुका होता है और काम करने लायक नहीं होता है तो ये लाइजोजोम्स अपने सेल के अंदर ही बर्स्ट करते हैं सारे डाइजेस्टिव इंजाइम स्प्रेड हो जाते हैं और अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर डालते हैं इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं Then coming to mitochondria, the powerhouse of the cell, the powerhouse of the cell which is called mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन या मैं यहां पर करूं एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो कहां पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया जो भी रेस्पिरेशन से एनर्जी बनती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है और एटीपी कहां बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कहां बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड इट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल की जब भी जरूरत पड़ेगी सेल को एनर्जी की ये एटीपी को ब्रेक करेगा और एनर्जी सारी ले लेगा अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है डबल मेंब्रेन सिस्टम है डबल मेंब्रेन सिस्टम में जो अंदर वाली मेंब्रेन है अंदर वाली मेम्ब्रेन देखिए कैसे अंदर की तरफ फोल्ड है है ना इनर फोल्डिंग्स इन फोल्डिंग्स को जो अंदर वाली फोल्डिंग्स होती है उनको हम कहते हैं क्रिस्टे इनको हम कहते हैं क्रिस्टे ओके साहिल जो आपका एनरोबिक रेस्पिरेशन है होता है पहली बात तो जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन भी है ना वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन दोनों को मिला के हो रहा है और लेकिन जो एरोबिक पार्ट है वो माइक्रोकॉन्ड्रियम में अगर आप बाकी रेस्पिरेशन की बात करते हैं एनरोबिक की तो वो साइटोप्लाज्म में होता है ओके okay, सो so, जो ये क्रिस्टे की इन फोल्डिंग जो अंदर की तरफ फोल्ड हुए इनको हम नाम देते हैं क्रिस्टी अब ये क्रिस्टे यहां पर क्यों है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके अब क्वेश्चन उठता है व्हाई डू यू नीड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया क्योंकि एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो सरफ़ेस पे ही बनते हैं इनर मेम्ब्रेन के तो जितना ज्यादा सरफ़ेस होगा उतना ज्यादा एटीपी फॉर्म हो पाएगा ओके? सो दैट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रिस्टी ओके? सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेन है ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स है कि ये कुछ हद तक सेल्फ डिपेंडेंट हैं कुछ हद तक सेल्फ डिपेंडेंट है क्यों क्योंकि इनके पास है खुद का सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इनके पास खुद का डीएनए है इनके पास खुद के आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास खुद के राइबोसोम्स हैं वो सारी चीजें हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए तो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन ये अपने प्रोटीन खुद बना सकते हैं दैट्स व्हाई वी कॉल देम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स तो इनके पास खुद का अपना डीएनए होता है नेक्स्ट वन प्लास्टिड्स अगला जो इंपॉर्टेंट हमारे पास सेल ऑर्गेनल आया है वो है प्लास्टिक जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है एनिमल सेल में एपसेंट होता है प्लास्टिड्स वो सेल ऑर्गेनल हैं जिनके अंदर होते हैं कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स अब ये पिगमेंट्स क्या होते हैं पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक कलर देते हैं कोई एक कलर प्रोवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं पिगमेंट्स ठीक है तो ये जो पिगमेंट्स हैं अब आ, जो ये प्लास्टिड्स हैं इन प्लास्टिड्स में कौन से पिगमेंट है उनके बेसिस पे आप इनको तीन टाइप में डिवाइड करते हैं क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट तो तीन टाइप के प्लास्टिड्स हो गए प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इनमें होता है क्लोरोफिल तो जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है and this is the reason why uh, the chloroplast uh, can absorb the sunlight kyunki chloroplast mein hai chlorophyll jo ki sunlight absorb kar pata hai isliye photosynthesis yahi par hota hai chromoplast आप plant के flowers में fruits में जो अलग color देखते हैं green के अलावा अगर आप कोई भी दूसरा color देख रहे हैं plants में तो वो है chromoplast के कारण leucoplast कोई pigment नहीं है कलरलेस है ल्यूको जो है वो कलरलेस है ये स्टोरेज का काम करते हैं अब ये क्या स्टोर करते हैं उनके बेसिस पे आप ल्यूको को फिर तीन टाइप में डिवाइड करते हैं अगर ये स्टार्च स्टोर कर रहे हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर ये स्टार्च स्टोर कर रहे हैं तो आप इनको कहते हैं अमाइलो अगर ये ऑयल्स एंड फैट्स स्टोर करते हैं तो आप कहते हैं इनको इलायोप्लास्ट और अगर ये प्रोटीन स्टोर करते हैं तो आप कहते हैं इनको एल्यूरोप्लास्ट लेकिन हम आगे आने वाली स्लाइड में यस मोहन, आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में दैट इज रियली इंपॉर्टेंट तो ये है क्लोरोप्लास्ट अगेन अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन इसके अराउंड दो मेम्ब्रेन है इसके पूरे जो कवर करके रखा हुआ है दो मेम्ब्रेन ने करके रखा हुआ है इसके अंदर जो स्पेस होती है उसको जो फ्लूड भरा हुआ है उसको आप कहते हैं स्ट्रोमा क्या आप मुझे बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में हम उसे क्या कहते हैं जो ये में जो अंदर ये पूरी स्पेस है, फिल होता है इसको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स ठीक है इसको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में जबकि क्लोरोप्लास्ट में आप इसको कहते हैं स्ट्रोमा स्ट्रोमा में आप क्या देख रहे हैं Coin जैसे स्ट्रक्चर जो एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे स्टैक बना के खड़े हुए हैं तो जो हर एक स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हैं था इसको आप कहते हैं थाइड थाइला क्वाइड के बीच में जो खाली जगह होती है जो ल्यूमेन होता है ना जो ल्यूमेन होता है जो स्पेस है उसी के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल उसी के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल इसीलिए कोई भी अगर आपसे पूछे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस साइट फॉर फोटोसिंथेसिस तो आप बताएंगे थाइड्स आप बताएंगे थाइलाकोइड्स ओके देन जो ये पूरा स्टैक बना जो एक पूरा स्टैक बना थाइलाकोइड्स का इसको आप कहते हैं ग्रैना ग्रैना इज द प्लुरल फॉर्म ग्रैनम इज द सिंगुलर फॉर्म तो इनको आप नाम देते हैं ग्रैनम ओके एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके पास भी खुद का डीएनए है खुद के राइबोसोम्स हैं इसीलिए ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली हैं, ये भी अपने प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जिसके पास खुद का डीएनए और जिसको यूज करके वो अपना प्रोटीन बना सकता है वो है क्लोरोप्लास्ट उट दिस वेरी स्मॉल थिंग इधर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वैक्यूल वैक्यूल जो कि प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है अराउंड नाइंटी परसेंट वॉल्यूम कवर कर रहा होता है आपके प्लांट uh, सेल में एक ही होगा एक बड़ा सा वैक्यूल होगा जबकि एनिमल सेल में uh, छोटे छोटे एक से ज्यादा वैक्यूल होते हैं वैक्यूल के अगर हम काम की बात करें तो ये कुछ वैसा ही काम करता है जैसा कि कोई प्लेयर है जो कि अपने गेम के बीच में जाता है अपनी सीट पे बैठता है पानी पीता है वापस अपने आप को रिहाइड्रेट करता है तो वैक्यूल का कुछ ऐसा ही काम है अपने प्लांट सेल के लिए ये एक फ्लूड फिल्ड स्पेस है फ्लूइड से भरा स्पेस है जिसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है मिनरल्स uh, भी स्टोर होते हैं न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर होते हैं वेस्ट भी स्टोर होता है और जब भी कोई चीज एक्सेस में हो जाती है वाटर एक्सेस में हो गया वेस्ट हो गया तो ये सेल से उसको बाहर भी निकाल देता है दैट इज समथिंग कॉल्ड वैक्यूल यहां पर दो तीन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वैक्यूल के बारे में पहली चीज कि ये एक ही मेंबर से मेम्ब्रेन से बाउंड है सिंगल मेम्ब्रेन इसके अराउंड जिसको आप नाम देते हैं टोनोप्लास्ट जिसको आप नाम देते हैं टोनोप्लास्ट प्लांट सेल में एक वैक्यूल होगा बड़ा वैक्यूल 90 परसेंट तक वॉल्यूम ऑकोपाई कर रहा होगा अमीबा में स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं मॉडिफाइड वैक्यूल होते हैं जिनको आप कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और इनका काम होता है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में एक्सक्रीशन यानी कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बना है जो भी रिएक्शन के दौरान वेस्ट बने हैं उनको सेल से बाहर निकालना ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वॉटर एंड आय का बैलेंस मेंटेन करके रखना प्रोटेस्ट की बात करें जैसे कि हमारे अमीबा हो गए जैसे हमारे पैरामीशियम हो गए इनमें होते हैं फूड वैक्यूल्स जो कब बनते हैं जब ये प्रोटेस्ट फूड को इनगल्फ करते हैं और एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में रखते हैं जिसको आप कहते हैं फूड वैक्यूल तो ये दो मॉडिफाइड वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल

तो आपको फ्री राइबोजोम्स मिलेंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड भी मिलेंगे किससे बने होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन से रिमेंबर दे आर अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है इनके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है बाकी जितने भी आपने देखे सेल ऑर्गेनल सबके अराउंड मेम्ब्रेन था इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं है एंड प्राइमरी फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस दैट्स व्हाई यू कॉल देम प्रोटीन फैक्ट्री ओके मोहन आई जस्ट टेल्ड यू दिस थिंग फाइनली वी केम टू द डिफरेंसेज बिटवीन द्लांट सेल एंड एनिमल सेल उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियसली पूछे गए हैं तो सबसे पहला डिफरेंस प्लांट्स में प्लास्टिक होते हैं एनिमल्स में नहीं होते हैं प्लांट सेल के बाहर सेलवॉल होता है एनिमल सेल के बाहर सेलवॉल नहीं होता है प्लांट सेल में एक बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये जबकि एनिमल सेल में एक से ज्यादा और छोटे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एनिमल सेल में होते हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं होते एनिमल सेल में होते हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स जो कि प्लांट सेल में नहीं होते centrioles का काम होता है सेल डिवीज़न में हेल्प करना जब आपका एनिमल सेल डिवाइड करता है ना तब ये वहां पर हेल्प करते हैं देन Uh, जो सेल मेंब्रेन होती है एनिमल सेल की जो सेल मेंब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है जबकि प्लांट सेल में नहीं होता प्लांट so, सेल के मेंब्रेन में ऐसा नहीं होता सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल तो जो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किए जस्ट डू रिमेंबर डेम मोहन अभी मैंने वही बताया दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन द सेल डिविजन चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन तो सबसे पहला सवाल सी डी एस वन का पहला सवाल सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ बैक्टीरिया प्लांट्स फंजाई या ह्यूमन क्या होगा इसका आंसर सेल वॉल किसके सेल में प्रेजेंट नहीं होता है करेक्ट आंसर मोहन बिल्कुल सही आंसर होता है बच्चे बट द प्रोसेस इज डिफरेंट रवि कीर्ति करेक्ट आंसर विक्रांत सिंह रवि प्रशांत राइट right आंसर कोमल आदित्य श्वेता करेक्ट आंसर डेफिनेटली आंसर इज ह्यूमन क्योंकि ह्यूमन का जो सेल है वो एनिमल सेल है और उनमें सेल वॉल नहीं होता अगला सवाल विथ सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइट्रोकॉन्ड्री एंड प्लास्टिड्स लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडी या फिर वैक्यूल एंड प्लास्टिड्स क्वेश्चन नंबर टू प्लीज डू राइट द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जरूर बताइए तब मुझे पता चलेगा आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं यस वेरी गुड विक्रांत सिंह राइट आंसर आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन यस पार्थ करेक्ट आंसर मोहन शर्मा राइट आंसर आदित्य ओके यू डेंट राइट द क्वेश्चन नंबर यस आंसर इज एंड कौन क्लोरोप्लास्ट जिनके पास खुद के डीएनए हैं इनको सेमी ऑटोनोम सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है क्वेश्चन नंबर सीडीएस ट्वेंटी का क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए गोल्जी ऑपरेटर्स माइटोकॉन्ड्रियन लाइसोसोम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल मिलता सवाल है जिस प्रीवियस क्वेश्चन से जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर थ्री इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है यस राइट आंसर मोहन सिंह विक्रांत सिंह सॉरी मोहन शर्मा साहिल करेक्ट आंसर कीर्ति राइट आंसर कृता राइट आंसर यस आदित्य मनीषा सिंह कोमल वर्मा दर आंसर इज राइट दैट इज माइक्रोकॉन्ड्रिया इसके पास खुद का अपना डीएनए है वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी ड्यूरिंग द द्योरी अगले सवाल पर चलते हैं एनर्जी करेंसी फॉर द सेल्यूलर प्रोसेसेस ग्लूकोज एटीपी एडीपी या फिर पायरोविक एसिड क्वेश्चन नंबर फोर एनर्जी करेंसी फॉर सेल्युलर प्रोसेसेस क्वेश्चन नंबर फोर सो हमने 2019 तक के क्वेश्चन देखने हैं यहां पर 2019 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो तक देखेंगे रवि प्रशांत विक्रांत सिंह मोहन शर्मा आ, राइट आंसर कविता करेक्ट आंसर कृता अमन राय sahil saying right answer yes priyanka correct answer that is atp yes the answer is atp the energy currency for the cellular processes is atp agla Saval hai cds 2 2019 se which one of the following cell organelles is known as suicide bags of a cell is it lysosomes plastids एंडोप्लास्मिक रेडिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया किसको हम कहते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ सेल क्वेश्चन नंबर गुड इवनिंग स्टार राठौर आप काफी लेट हो गए करेक्ट आंसर मोहन शर्मा मोहन शर्मा आप एडीपी की बात पूछोगे एडिनोसिन एडिनोसेंट डाइफोस्फेट होता है वो यस यस कविता कोमल वर्मा राइट आंसर कीर्ति साहेल करेक्ट आंसर श्वेता करेक्ट आंसर राहुल कुमार नमन करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर द आंसर हियर इज लाइजोजोम्स लाइजोजोम्स अगला सवाल फिर से है सीडीएस टू दो हजार उन्नीस से ही थेटिक प्रो कैरोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद प्लास्टिकल्स न्यूक्लियॉइड या फिर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं उनमें जो क्लोरोफिल है वो कहां पर होता है प्लास्टिड्स में या मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में या न्यूक्लियोइड्स या फिर क्रोमोसोम्स क्वेश्चन नंबर सिक्स दिस इज फ्रॉम सीडीएस टू ट्वेंटीन ओके ओके स्टॉप गिविंग द आंसर स्टॉप गिविंग द आंसर मुझे समझ में आ गया यहाँ पर कोई सही नहीं देगा मुझे द राइट आंसर इज मेम्ब्रेनस वेसिकल्स डियर राइट आंसर इज मेम्ब्रेनस वेसिकल्स मेम्ब्रेनस वेसिकल्स इज द राइट आंसर भाई प्रो है तो प्लास्टिड्स तो होने से रहा प्लास्टिड्स इज सेल ऑर्गेनेल जो कि यू सेल्स में होते हैं

आगे चलते क्वेश्चन नंबर सेवन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सीडीएस वन ट्वेंटी नाइनटीन का क्वेश्चन है सीडीएस वन दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन मेनली फंक्शन एज द स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स डेस्मोजोम राइबोजोम लाइजोजोम या फिर वैक्यूल्स उस yes, uh, कौन सा राइट आंसर मोहन शर्मा विक्रांत बिल्कुल अभय सिंह जल्द कोशिश करूंगी की थोड़ा सा हिंदी भी हम यहाँ पर लेके आए बट राइट नो इसी से काम चलाइए साहिल सिंह करेक्ट आंसर स्टॉर राइट आंसर अनूप राइट आंसर की कृतिका uh, Nikki करेक्ट आंसर कोमल राइट आंसर रिया पाठक राइट आंसर मनीषा सिंह करेक्ट आंसर तो भाई सेवेंथ का आंसर होगा लाइजोजोम्स इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं तभी तो तभी तो ये सुसाइडल बैग्स कहे जाते हैं किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं अपनी सेल को खत्म कर डालते हैं सो दैट्स इट फॉर टुडे तो जाते-जाते मेरी तरफ से बाय एंड हमारे मिस्टर सेल की तरफ से भी आपको बाय एंड देर इज अ वेरी स्मॉल मैसेज फॉर यू पीपल सही प्रेप है तो लाइफ सेट है और उसके लिए आपके पास ग्रेडअप है दो ऑप्शन है सिर्फ प्रेप करो या ग्रेडअप के साथ सही प्रेप पीएचडी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी मटेरियल हंट करने में पीएचडी। अपने एग्जाम की तैयारी के लिए 29 वेबसाइट से 20,000 पेजेस का स्टडी मटेरियल पीडीएफ में डाउनलोड किया है। प्रैक्टिस पेपर्स भी इतनी पीएचडी के बाद एग्जाम क्लियर होगा पता नहीं तो सही प्रेप करना है प्रैक्टिस टेस्ट के लिए ग्रेडअप के साथ सही प्रेप है तो